हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की बात कही। भगवान श्री राम और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर विवादित बयान पर चर्चा में आए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के पक्ष में बोलते हुए पुनिया ने कहा, कटारिया सोने की तरह खड़े हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया आज राजसमंद में भाजपा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में प्रदेश व बूथ स्तर के कामकाज की पूरी समीक्षा होगी। भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों और आगे के कार्य पर विचार किया जाएगा। महाराणा प्रताप पर विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के पक्ष में खड़े होते हुए डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि कटारिया आज के नेता नहीं हैं, उनका राजनीतिक जीवन 50 बरस हो गया है, उनकी प्रमाणिकता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। कटारिया सोने की तरह खड़े हैं। इस मामले में उन्होंने क्षमा याचना भी कर दी है। उनकी भावनाओं में कोई द्वेष विरोध नहीं था। वे मेवाड़ में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन्होंने सेवा की है। उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जो प्रचारित किया जा रहा है वो सियासी किसका ज्यादा है। डॉक्टर पुनिया ने अलवर निवासी 17 वर्ष के योगेश जाटव के मॉब लिंचिंग का शिकार होने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जुलाई में कृष्ण वाल्मीकि झालावाड़ की और अलवर के ही हरीश जाटव की भी 1.5 वर्ष को भीड़ न हत्या कर दी थी। एक तरफ तो सरकार मॉब लिंचिंग का कानून लाती है, इस कानून की पैरवी करती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस में दलितों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ रहा है। गरीब व वंचित परिवारों को परेशानी की स्थिति में है। पुलिस का इकबाल खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस संबंध में एक भी बयान नहीं आया है। ये हैरानी की बात है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। हर थाने के बाहर एक टैग लाइन लिखी होती है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन प्रदेश सरकार इसका उल्टे स्थिति में है। यहाँ अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय की स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस में अंतर के कारण राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान की जनता को भी इससे नुकसान हुआ है। कांग्रेस के अंतर कलह अंत विरोध का कोई फार्मूला इनके आलाकमन के पास नहीं है। राजसमंद में हाल ही में मंडल अध्यक्ष तो के नियुक्तियों पर भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा मनमानी करने के आरोप में सवाल करने पर डॉक्टर पुनिया ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं में भी छोटी मोटी नाराजगी है तो उसका निराकरण कर दिया जाएगा। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।